सो हाय गाइज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल पंकज। गाइज आज हम बात करने वाले हैं रेडमी 5 में कैसे जो है आप फिंगरप्रिंट लॉक को लगा सकते हैं। गाइज बहुत ही ईजी है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। आपको करना क्या होगा गाइज, आपको जाना होगा अपने रेडमी 5 की फ़ोन की सेटिंग में। तो आइए हम आप लोगों को लेके चलते हैं अपने रेडमी 5 की फ़ोन की सेटिंग में, आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताते हैं कैसे आपको लगाना है। तो गाइज यहाँ पर हम आ चुके हैं फ़ोन की सेटिंग में, आपको जाना होगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में। इस पर आपको क्लिक करना है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे, यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा आप लोगों के सामने फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन आएगा। तो गाइज़ यहाँ हमने पहले से ही लगा रखा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। गाइज़ यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप जो भी पासवर्ड आपको पहले से डाल रखें वो डाल देंगे पासवर्ड, तो हम डाल देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पासवर्ड हम डालते ही देखिए यहाँ पे हमारा आ गया है, हमने दो फिंगरप्रिंट ऐड कर रखे हैं पहले से, फिंगरप्रिंट 1 फिंगरप्रिंट 2। तो हम तीसरा आपको ऐड करके यहाँ पे दिखाते हैं, ऐड टू फिंगरप्रिंट। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम दोबारा से वही पासवर्ड डालेंगे जो हमारे पासवर्ड लगा हुआ है। तो गाइज़ यहाँ पर हमें आप फिंगरप्रिंट पर अपने उंगली लगाना है, फिंगर लगाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम जैसे ही फिंगर लगाएंगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेंसर और जो है जो हमारा फिंगरप्रिंट लेगा। तो आइए हम लगा के दिखाते हैं आपको। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लगा रहे हैं फिंगरप्रिंट, देख सकते हैं यहाँ पे कैसे ले रहा है, ऐड कर रहा है फिंगरप्रिंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ये ऐड हो चुका है, यहाँ पे डन हो चुका है। यहाँ पे हमें करना क्या होगा, फिंगरप्रिंट 3 में यहाँ पर हमें डन कर देना है। ये हो गया डन हो गया गाइज, यहाँ पे लग चुका है। अब हम आपको इसको, आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।